हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक न्यू स्वेटर के साथ में आए हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी सी डिज़ाइन है जो आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हो। इस डिज़ाइन का हमने आपको एक छोटा सा सैम्पल बना के दिखाया है और सैम्पल का लुक बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये स्वेटर और डिज़ाइन कैसे बना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। आज के डिज़ाइन में हमने दो कलर की ऊन का यूज़ किया है, एक ब्लू और एक वाइट। ये जो स्वेटर का डिज़ाइन है ये 20 फंदों में हमने आपको बना के दिखाया है और 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है। अब हम बढ़ते हैं पहली सिलाई की तरफ। पहली सिलाई हम वाइट कलर की ऊन से बुन रहे हैं, ये हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं। उल्टी सिलाई बनाने के लिए हम फंदे के अंदर से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे। एक और बात का ध्यान रखें, उल्टी सिलाई बनाते वक्त हम सिलाई को अपने अंदर की तरफ से डालते हैं और सीधी सिलाई में हम सिलाई को बाहर की तरफ निकालते हैं। और आप देख सकते हैं पहली सिलाई हम उल्टी बुने जा रहे हैं, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, प्लेन उल्टी हम बुन रहे हैं। और हमारी पहली सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी सिलाई की तरफ, जो कि सीधी सिलाई बुनी जाएगी। दूसरी सिलाई सीधी बुनने के लिए देखिए, इस तरह से हम सिलाई को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से हम हमारी सीधी सिलाई को बुनते जाएंगे। दूसरी सिलाई में भी हमने वाइट कलर की ऊन का ही यूज़ किया है। इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई जो कि सीधी सिलाई है वो ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आप इसका लुक देखिए। देखिए दो लाइनें वाइट कलर से बन के हमारी तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम आगे ब्लू कलर को जोड़ेंगे। तीसरी लाइन हम पहली के जैसी बुनेंगे, चौथी हम दूसरी के जैसी बुनेंगे। और इसकी 4 सिलाई बनने के बाद का लुक आप देख सकते हो। दो सिलाई हमने वाइट कलर की ऊन से बुनी, दो हमने ब्लू कलर की ऊन से बुनी। इस तरह से हमारा आज का ये डिज़ाइन ओवर होता है। आई होप आपको ये हमारा शॉर्ट और क्विक सा वीडियो अच्छा लगा हो। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, इसे कोई भी ट्राई कर सकता है। ये बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी ईजी और आसान सा डिज़ाइन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।